से पहले हम सभी कलाकारों का मात परिचय दिखा देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कहानी देखने और समझने में कोई दिक्कत पेश ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये चंदनपुर है, चंदनपुर पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलते हैं, वहाँ के पुलिस सभी कर्मचारियों से मिलवाते हैं। दोस्तों तो लीजिए, वहाँ के एसपी साहब से मिलवाते हैं जिनका नाम होता है एसपी अर्जुन सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है एसपी अर्जुन सिंह। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का नाम है एसपी अर्जुन सिंह। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में एसपी अर्जुन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। शहीदों ने अपने खून से, शहीदों ने अपने खून से इस जमीन को रंगा है, और जिसने कभी न झुकना सीखा उसी का नाम तिरंगा है। ये थे एसपी अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं उसी थाने के इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। तो वह आप लोगों के सामने पेश है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। सावधान सावधान में दोस्तों, इन्हें गौर से देखिए, ये नौकरी सरकार की करते हैं और तनख्वाह इन्हें सरकार देती है, लेकिन ये काम ये गुंडे और बवालियों के लिए करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है दोस्तों, ओवर टाइम पैसा कमाना। यही नहीं, पैसे की लालच में न जाने कितनी माँ बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, न जाने कितनी मासूम लड़कियों को ले जा करके तबायफ की कोठे पर भेज देते थे, ऐसा एक घिनौना काम करते थे। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक रिश्वतखोर देशद्रोही इंस्पेक्टर जसवंत रंजीत सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। कानून का रखवाला हूँ, कानून का रखवाला हूँ, लेकिन दिल का काला हूँ। नाम है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बड़ा, मैं जब तक है ये वर्दी जीऊंगा शान से, आ जाएगा दुश्मन मारूंगा। ये वर्दी पहन के इंसान हो जाता गंदा, ये वर्दी नहीं है, है मेरी कमाई का। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं की छोटी बहन से जिसका नाम होता है मंजू। तो आप लोगों के सामने पेश है मंजू। इसी का नाम है मंजू, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की छोटी बहन है, जिम्मेदारी के साथ में मंजू का रोल अदा करके दिखाएंगी। पत्ती पे गिरे सनम, पत्ती नम नहीं होती, पत्ती पे गिरे सनम, पत्ती नम नहीं होती, जुदाई क्यों ना हो लाख पर मोहब्बत कम। मंजू से मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाते हैं उसे थाने पर तैनात लेडीज पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर अनीता कुमारी। तो आप लोगों के सामने पेश है इंस्पेक्टर अनीता कुमारी। इन्हीं का नाम है इंस्पेक्टर अनीता कुमारी। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में इंस्पेक्टर अनीता कुमारी का रोल अदा करके दिखाएंगी। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी, इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी, अगर भाई गुनेगार है उसे गिरफ्तार करूंगी। कुमारी से मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाद उस थाने के ऐसे कर्मचारी से जो आप लोगों को पूरी रात मनोरंजन देगा, वो खुद हंसेगा और हंसाएगा दोस्तों, जिसका नाम होता है हवलदार अवघरनाथ शुक्ला। तो आप लोगों के सामने पेश है हवलदार अवघरनाथ शुक्ला। जी हाँ
दोस्तों, यही है इस थाने के हवलदार अवर्णा शुक्लो। हमारी इस कहानी में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में हवलदार अवर्णा शुक्ला का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमारा नाम है अवर्णा शुक्ला। हमारा घर है महाराज का कोकला। ये बाल सुन समझो खोखला। जिस मुलजिम को पकड़ लेता हूँ मुलजिम के बजा देता टकला। हवलदार अवर्णा शुक्ला से मिलवाने के बाद में मिलवाता उसी थाने के चौकीदार से जिसका नाम होता चौकीदार हरखुपासी। तो आप लोगों के सामने पेश है चौकीदार हरखुपासी। जिया दोस्तों, इन्हीं का नाम है चौकीदार हरखुपासी। हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में चौकीदार हरखुपासी का रोल अदा करके दिखाएंगे। जय राम भैया। इनका चीना चवा हो लंदे। हां हां लंदे जाने भाई हरको पासी आन भैया। हाउ का हरको पासी आन भैया। जात के पासी आन खाए तो बासी। हाउ का थाने में ड्यूटी करी कर का करे भैया। पूरी ठंडी बीत कर जाए भरावा 5 किलो रजाई मुंह से काट डाले। घर में पहुंचे नहीं पावा। घर का जाए तो मेहरबाई का देखे भर भात है यार। हाँ कहा जैसे जेबे तैसे वहा कहे कहा हाल कहे बच्चल जो थे भैया भाग रहे घर से जुगान नहीं बनेगी। हमार नाम हरको पासी खाए तो बासी। हुक्का वही हो जिसमें चिलम ना हो। लला दो शेर से जिसके दम। दोस्तों हर एक पट पट मतदान होते एक फूल खुशबूदार नहीं होते। उसी तरीके से हर एक तमाशा नसीहत धार नहीं होता। दोस्तों अब ले चलते हैं पुलिस स्टेशन से सीधे चंबल घाटी की तरफ। वहाँ के मशहूर खोखला डाकू से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है डाकू धर्मा। तो आप लोगों के सामने पेश डाकू धर्मा। चौधर मेरे दोस्तों, ये चंबल घाटी का बहुत ही मशहूर खोखला डाकू जिसका नाम है धर्मा। और दोस्तों एक नजर इन पे जरूर डालिएगा। जी हाँ, यही है हमारी इस कंपनी के मैनेजर साहब बाबा शिव नारायण ग्राम शुक्लन पोस्ट हथौड़ा बाराबंकी। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में डाकू धर्म करोल अदा करके दिखाएंगे। तुम धर्म के हाथ मात्री नहीं पिला सकते हो। हाथ पिला के जाओ मेरे हाथ पता क्या क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूँ। अरे काल की ज्वाला पिसका महासागर परनाई का बेगो भुचाल। क्योंकि दिक्कत मुझसे घबराते हैं। दिक्कत मुझसे घबराते सुर मुझसे भय खाते हैं। पर सूर वीर योद्धा मारे जाए मुझसे टकराता है। जाओ मुझसे टकराता उसका नाम मिटा देता। तुम चोर चोर से मिटते जाओ। जाओ दोस्तों, ये थे डाकू धर्मा। डाकू धर्मा से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं इन्हीं के गिरोह से अगले साथी से जिसका नाम होता डाकू जागीरा। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू जागीरा। ये डाकू जागीरा है जो धर्मा का बहुत ही खास आदमी दाहिना हाथ है। बहुत जिम्मेदारी के साथ में
डाकू जागीरा का रोल अदा करके दिखाएगा। करूंगा करूंगा जुल्मी की बरसात पाप की आधी मैं लाऊंगा, जब आला करेगा तो बात हल्का मैं असर हल्का हमें असर हल्का हमें कि हरि सुखी साख हो जाए नजर जस जिस तरह का दूध टेढ़ी तो सुना लोग कहते हैं कि डाकुओं का कोई परिवार नहीं होता, लेकिन हमारी इस कहानी में डाकुओं का भी एक परिवार है दोस्तों। ये थे डाकू जागीरा, जागीरा से मिलवाने के बाद में मिलवाते इनकी धर्म पत्नी से, इसका नाम होता दोस्तों कलावती। तो आप लोगों के सामने पेश है कलावती। ये डाकू जागीरा की धर्म पत्नी है दोस्तों और इन्हीं का नाम है कलावती, और ये जिम्मेदारी के साथ में कलावती का रोल अदा करके दिखाएगी। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव के रक्षक सुधर चक। कलावती से मिलवाने के बाद में मिलवाते दोस्तों अगले डाकू से, जिसका नाम होता है डाकू मंगल सिंह। तो वो आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल सिंह। इन्हीं का नाम डाकू मंगल सिंह दोस्तों। हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। नाम है मंगल सिंह मेरा, नाम है मंगल सिंह मेरा, अटल मुझसे दहलती है हवा में डरी जरा बच्चन। सोना है मेरे नाम का, सोना है मेरे नाम का, सारे जहान में सूरों के छक्के छूटते हैं मंगल सिंह के। चंबल घाटी, चंबल घाटी है आप लोगों को चंदनपुर रियासत की तरफ, वहाँ के जमींदार से मिलवाते हैं जिनका नाम होता है ठाकुर बलवंत सिंह। लो लेकिन वहाँ की जनता दोस्तों इन्हें प्यार से छोटे सरकार कहती है। तो आप लोगों के सामने पेश है ठाकुर बलवंत सिंह और छोटे सरकार। जी हाँ, यही है ठाकुर बलवंत सिंह दोस्तों, जो चंदनपुर रियासत के जमींदार हैं, लेकिन जनता इन्हें प्यार से छोटे सरकार कहती है। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में छोटे सरकार का रोल अदा करके दिखाएंगे। असर है ओ निगाहों में, असर है ओ निगाहों में, अरे सुखी साख हो जाए नजर टेढ़ी करूं जिस तब सोना। हमारा नाम लेते ही, हमारा नाम लेते ही लबो परा होती है, गुजर होता है सब मेरा तो सुनी। नाम हफ्ते में आता है, नाम हफ्ते में आता है, मगर लेता नहीं कोई, जो लेता है उसी की जिंदगी। चंदनपुर रियासत ले चलते हैं, चंदनपुर रियासत से उदयपुर की तरफ, वहां पर एक बहुत नेक और शरीफ घराने के मुखिया से मिलवाते हैं, जिसके मुखिया होते हैं रवि, लेकिन सभी लोग उन्हें प्यार से रवि भैया कहते हैं। तो आप रवि भैया ये है रवि, बहुत जिम्मेदारी के साथ में रवि का रोल अदा करके दिखाएंगे। जीजा जी, आपने ये क्या किया, आपने 5 लाख रुपए के लिए मुझे गोली मार दिया। अगर ये बात बताई होती तो 5 लाख बल्कि 25 लाख देने की क्षमता है मेरी, क्योंकि मैं बैंक का अधिकारी हूँ, और आपने ये गलती बहुत बड़ी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों रवि से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं इनके छोटे भाई से, जिसका नाम होता है कृष्णा। तो आप लोगों के सामने पेश है कृष्णा। जी हाँ दोस्तों,
ये रवि के छोटे भाई हैं, इन्हीं का नाम है कृष्ण। और दोस्तों एक नजर इन पे जरूर डालिएगा, यही हमारी इस कंपनी के मालिक मास्टर संतोष कुमार, ग्राम रामपुर राय साहब, पोस्ट दरियाबाद, आप बारावकी। आज की रात हमारे इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में कृष्णा का रोल अदा करके दिखाएंगे। सुबह कैसी होगी, सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है, फसल कैसी होगी ये बरसात बता देती है। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें करो जमाने में, बात ही मर्द की औकात बता। रवि कृष्णा से मिलवाने के लिए मिलवाते हैं की बड़ी बहन से, जिसका नाम होता है मधु। तो आप लोगों के सामने पेश है मधु। ये रवि और कृष्ण की बड़ी बहन है, जिनका नाम है मधु। ये आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में दोस्तों मधु का रोल अदा करके दिखाएंगे। जाको राखी साईया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाते हैं मधु के बेटे से, जिसका नाम होता है संजू। तो आप लोगों के सामने पेश है संजू। ये मधु का बेटा है, जिसका नाम है संजू। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में संजू का रोल अदा करके दिखाएगा। गरीबों की इज्जत, गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं, हीरे के हो लाख टुकड़े मगर कीमत कम नहीं। हाँ दोस्तों, संजू से मिलाने के बाद हम संजू के पापा से मिलाते हैं, जिनका नाम भीमा है। लोग उन्हें भीमा शराबी कहते थे। तो हम आप लोगों के सामने मिला रहे हैं संजू के पिता भीमा शराबी से। आप लोगों के सामने पेश रहे हैं भीमा शराबी। जो आपके सामने आए हुए हैं, इनके हाथ में बोतल देखिए, इन्हीं का नाम भीमा शराबी है। दोस्तों एक नजर इन पे डालिए, इन्हीं हैं इस कंपनी के डायरेक्टर, हमारे मास्टर गंगाधीन, ग्राम थिया प्रभा, पोस्ट धोबी दृष्टि का बाराबंकी। और इस कहानी में जिम्मेदारी के साथ भीमा शराबी का रोल अदा करके दिखाएंगे। सभी यही कहते हो कि ये शराब शराब खराब है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि ये शराब खराब नहीं है, क्योंकि इंसान को अगर थोड़ी सी पिला दो तो इंसान इंसान कोयल बन जाता है, कोयल। और कहीं थोड़ी सी उसको और पिला दी जाए तो इंसान इंसान से और बन जाता है। अगर कहीं थोड़ी सी उसको और पिला दी जाए तो इंसान सुअर बन जाता है। इसी से मैं कहता हूं, मैं शराबी हूं, मैं शराबी हूं, शराब पीऊंगा, पीकर शराब 100 साल जीऊंगा। दोस्तों हमारी कहानी